इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। पास चलकर समंदर भी आएगा, तक कर ना बैठ, मंजिल के
मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी इंशाल्लाह और मज़ा भी आएगा। जो मेरे हाथ से खिदमत हो सकती है मैं सब हमारे कौम के लोगों के लिए सब कुछ वो करना चाहूँगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर बन के सबको सबकी खिदमत करना चाहती हूँ कि मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और मैं लोगों की खिदमत में डॉक्टर इसीलिए नहीं बनना चाहूँगी क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ या मैं फेमस होना चाहती हूँ, इसीलिए क्योंकि इसमें लोगों की खिदमत मुझे सवाब मिलेगा, मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे मुझे सवाब मिलेगा ये काम करके, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ऐसी बीमारियाँ आती ही रहेंगी, हमें इनको इनका सामना करना चाहिए, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, इसे बल्कि लड़ना चाहिए, हौसला दिखाना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं डेंटिस्ट बनना चाहूँगी क्योंकि हमारे घर में कोई भी डेंटिस्ट नहीं है, इसलिए इंजीनियरिंग बनना चाहूँगी। कंप्यूटर साइंस, देश की तरक्की के लिए कुछ लेक्चरर। तब टीचर नहीं आएंगी तब तक दूसरे पोस्ट भी नहीं मिल सकते। एक डॉक्टर बनने के लिए भी टीचर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही सिखाती हैं टीचर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जीनत डोनी है, मैंने JNMC से डिस्टिंक्शन हासिल किया है BSc रेडियोग्राफी में। मैंने ये कोर्स इसलिए किया है कोर्स जो खवातीन हमारे हैं, मुसलमान खवातीन होने दो कुछ भी होने दो, बेपर्दगी होती है। यहाँ पे हम लोग स्कैनिंग करते हैं, लोगों का एक्सरे लेते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, MRI करते हैं, CT करते हैं। हमारा यहाँ पे मेडिकल फील्ड है जो तमाम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और औरतों के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम हमारी बच्चियों को इस महफिल में सिखाए, इसे आगे बढ़ाए। एक मेडिकल फील्ड एक ऐसी है जहाँ पर हर एक को मेडिकल कुछ करना चाहिए, अपने ज़िंदगी में कुछ बनना चाहिए और मेडिकल फील्ड से बहुत अच्छी कामयाबी हासिल होती है। और यहाँ पे हर तरह के हम लोग पर्दा औरतों का पर्दा रख सकते हैं और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। अभी जैसे मैंने BSc इन रेडियोग्राफी किया है तो मेरा एम आगे MSc ही करना है। MSc करके मैं कुछ बनना चाहती हूँ और ये करूँगी तो मेरा आगे जाके हम खिदमत खल्क होगा, मैं अल्लाह की राह में कुछ कर सकूँगी और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत कामयाबी की बात है। कौम की तरक्की के लिए हम ये सब कर सकते हैं और हमारी कौम हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे बागवान मुस्लिम जमात ने आज ये प्रोग्राम किया है और इससे हम लोगों का हिम्मत अफजाई हुआ है और हम लोग बहुत अच्छा कुछ आगे कर सकते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। जैसे मेरे डैड ने अभी मुझे यहाँ पे किया है और मेरे अब्बा का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ाया। एंड थैंक्स अ लॉट डैड एंड थैंक्स टू मुस्लिम जमात, थैंक यू सो मच। जो भी PUBG चल रहा है या किसी और तरह का चल रहा है सब कुछ, जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यहाँ वहाँ के लोग आते जाते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, घूमने फिरने में ध्यान लगता है, ये सब ना करें तो इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अपने आप को आगे बढ़ाएं, खुद का सोचें, अपने माँ बाप का सोचें कि आगे कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है। इससे कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कुछ हासिल होने वाला है। PUBG आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता, आप कुछ करिए ऐसा कि अपनी ज़िंदगी में काम आ जाए। बागवान जमात बेलगाम के जानिब से ये बच्चों की जो एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आए वो बच्चों की गुलपुशी की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। बागवान जमात बेलगाम के जब तीनों जमातें मिलकर एक हो गई तो उसके बाद में लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद में बहुत कम समय में हमारे दावल साहब मुडलगी के सदारत में और हमारे AK बागवान सेक्रेटरी और बाकी के जिम्मेदारों के बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये एजुकेशन बच्चों के लिए जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कम वक्त में बनाया गया उसके अंदर कुछ आजू बाजू गाँव के जमातों को भी बुलाया गया, मगर ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होना था मगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ज़्यादा लोग नहीं जमा होते हुए मुख्तसर सा प्रोग्राम आज हमारी जमात ने की है। मैं जमात के पूरे ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ।